हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, मीन्स स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट की। पार्ट वन वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऊष्मा क्या होता है, कैलोरी, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा, आपेक्षिक आर्द्रता, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पहले टॉपिक को, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, ऊष्मा हीट। क्या है पहला टॉपिक, ऊष्मा हीट। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, कैसी ऊर्जा होती है, इसके द्वारा हम किसी वस्तु को कार्य कर सकते हैं, उस किसी वस्तु में कार्य कर सकते हैं। तो जो वस्तु, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती, ताप के अंतर के कारण उत्पन्न होती है, यहाँ दो वस्तुएं हो, पहली वस्तु का ताप T1 और दूसरी वस्तु का ताप T2 हो, और दोनों में हमें ऊष्मा T1 की ऊष्मा अधिक हो, तो प्रवाह T1 से T2 की ओर होगा। ताप के अंतर के कारण, यहाँ पर पहले का ताप अधिक, दूसरे का ताप क्या है, कम है, तो हमें ऊष्मा का अनुभव होता है कि हाँ कोई वस्तु गर्म है, ज़्यादा गर्म है, ठंडी है। जब दो वस्तुएं एक ही ताप की होंगी तो आप नहीं ज्ञात कर सकते ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा ताप के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा सदैव क्या करती है, ऊंचे ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु यानी नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। तो ऊंचे यानी T1 से कहाँ प्रवाहित होगी, निम्न यानी T2 में प्रवाहित होगी, दूसरे ताप में प्रवाहित होगी, दूसरे वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका मात्रक क्या है, ऊष्मा को कैसे मापते हैं, ऊष्मा को मापने के लिए मात्रक है कैलोरी। क्या है, कैलोरी। ये छोटा मात्रक है, तो इससे बड़ा मात्रक है किलो कैलोरी, या जूल में भी मापा जाता है। तो ऊष्मा के यहाँ तीन मात्रक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल। ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल, तीनों ऊष्मा के मात्रक हैं, इन्हीं तीनों राशि मात्रकों में इसको मापा जाता है। तो अगला टॉपिक क्या दिया है, कैलोरी क्या होता है। कैलोरी, एक ग्राम जल का ताप एक डिग्री यानी 14.5 से 15.5 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, यानी ताप का अंतर कितना है इसमें, एक डिग्री सी का अंतर है। ठीक है, एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक कैलोरी कहते हैं। यानी जल का एक ग्राम ताप, एक ग्राम जल के ताप का एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, एक कैलोरी कहते हैं। ठीक है, एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। कितना होता है, 4.2 जूल। और एक किलो कैलोरी को अगर हम कैलोरी में चेंज करें तो 1000 से गुणा हो जाएगा। कैसे, तो आप जानते हैं किलो बराबर 1000, द्रव्यमान में हो चाहे कहीं पर भी आप पढ़े, किलो हमेशा 1000 से गुणा हो जाता है। तो एक किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम जूल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.2 × 1000 जूल यानी 4.2 × 10³ जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा, 4.2 × 10³ जूल। ठीक है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्या दे रहा है, अगली हेडिंग दे रहा है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए या एक के केल्विन बढ़ाने के लिए। क्या है, इकाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान क्या हो, एक हो, और उसका ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल एस से लिखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर स्मॉल एस लिखा हुआ तो वो आपका क्या दिखाई दे रहा है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान यानी 1 ग्राम या 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा को वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यदि द्रव्यमान यम हो और किसी वस्तु को ऊष्मा क्यू देने पर वस्तु के ताप में डेल्टा टी वृद्धि हो तो विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, Q/m इंटू डेल्टा टी, Q/m इंटू डेल्टा टी
आपका विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला हो गया यस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, और आगे देखिए क्या दे रहा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी या 1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सी या 4.2 × 10³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सी होता है। ठीक है, बस मात्रक बदला, अभी आपने ऊपर देखा कैलोरी कहें या किलो कैलोरी हो या जूल हो, तीनों आपके ऊष्मा के मात्रक हैं, तो ऊष्मा के स्थान पर हम मात्रक में कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका एमकेएस में है तो ग्राम है, सीजीएस में है तो किग्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके तीन मात्रक भी आपको मिल गए। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है, तो आगे दे रहा है विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं दो प्रकार के किसी गैस के लिए दे रहा है, पहला नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ये दो विशिष्ट ऊष्मा होती हैं जो किसी गैस के लिए होती हैं, दो प्रकार के विशिष्ट ऊष्माएँ होती हैं। तो पहला विशिष्ट ऊष्मा क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसमें क्या होता है, इसमें यम द्रव्यमान के लिए एक गैस का आयतन नियत रहता है, इसे यस सफिक्स वी यानी यस के नीचे छोटा सा वी लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, इससे वी से क्या हो गया आयतन और सफिक्स में लगा है तो यहाँ पर नियत आयतन से संबंधित है और यस मतलब विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को क्या लिखते हैं, एस सफिक्स वी से निरूपित किया जाता है। ठीक इसी तरीके से नियत दाब के लिए क्या हो जाएगा, तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसमें यम द्रव्यमान के लिए गैस का दाब नियत होता है, यानी द्रव्यमान यम है और उसका दाब क्या होगा नियत होगा, तो ऐसे पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा को एस सफिक्स पी से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है ऊष्मा धारिता, क्या दे रहा है ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, मात्रा कुछ भी हो, द्रव्यमान कुछ भी हो, ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता, यानी ऊष्मा के धारण करने की क्षमता ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो ऊष्मा धारिता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यम इंटू एस, जहाँ यम क्या है द्रव्यमान और एस क्या है विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्मा धारिता बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, एम एस, एम मल्टीप्लाई एस। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी प्रति डिग्री सी या जूल प्रति डिग्री सी या जूल प्रति केल्विन। ठीक है, जूल प्रति केल्विन। तो ऊष्मा धारिता के यहाँ पर तीन मात्रक आपको दिए गए, तीनों मात्रक याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला का टॉपिक दे रहा है मोलीय ऊष्मा धारिता, मोलीय ऊष्मा धारिता यानी मोलर थर्मल कैपेसिटी। क्या होता है, किसी गैस के एक मोल की ऊष्मा धारिता को उसकी मोलीय ऊष्मा धारिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोलीय ऊष्मा धारिता कहा जाता है और इसे सी, किसे कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। मोलीय ऊष्मा धारिता को, कैपेसिटी को, मोलर थर्मल कैपेसिटी को कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, जिस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति प्रति किग्रा केल्विन है, ठीक उसी तरह मोलर या मोलीय ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक भी जूल प्रति मोल के होता है, यानी दोनों का मात्रक क्या होता है बराबर होता है, ऊष्मा धारिता का मात्रक और मोलीय ऊष्मा धारिता का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो मोलीय ऊष्मा धारिता भी दो प्रकार की होती है, मोलीय ऊष्मा धारिता भी दो प्रकार की होती है, पहला नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मा धारिता और दूसरा नियत दाब पर मोलीय ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, क्या दे रहा है, नियत आयतन वाली किसी गैस के एक मोल, नियत आयतन वाली किसी गैस की एक मोल की ऊष्मा धारिता को उस गैस का
मूलीय उष्माधारिता कहते हैं, उसे सी सफिक्स पी से यानी सी के नीचे छोटा सा सॉरी वी से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब आपका कैपेसिटर धारिता हो गया और वी आपका उसका क्या हो गया आयतन, तो नियत आयतन के लिए सी सफिक्स वी का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से नियत दाब के लिए, नियत दाब पर किसी गैस के एक मोल की उष्माधारिता को उस गैस की मूलीय उष्माधारिता कहते हैं, इसे सी सफिक्स पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मीन्स प्रेशर, दाब, धारिता सी, तो सी सफिक्स पी क्या हो गया नियत दाब पर मूलीय उष्माधारिता हो गया। ठीक है, आगे एक साड़ी दे रहा है, साड़ी में क्या दे रहा है एसपी, एस आपने विशिष्ट उष्मा पढ़ा है लोग, वो भी किस पर नियत दाब पर, एसवी आपने पढ़ा है नियत आयतन पर, सीपी आपने पढ़ा है धारिता, पी लिखा हुआ है यानी नियत दाब है, और सी सफिक्स वी क्या होता है आपका नियत आयतन पर उष्माधारिता का मात्रक तथा गणितीय समीकरण दिए गए। मात्रक का कौन सा प्रयोग करेंगे और सूत्र इसके लिए क्या है, ये चारों सूत्र एक जगह आपको दिया जिससे याद हो जाए। तो राशि क्या है, विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा की धारिता जिसे यस से प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रक संकेत कब, ये दो भागों में बटा है नियत दाब पर और नियत आयतन पर, तो यसवी क्या हो गया विशिष्ट उष्मा नियत आयतन पर। इसका मात्रक क्या हो गया एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा, और गणितीय समीकरण क्या है यस सफिक्स वी बराबर क्यू बटे में एम डेल्टा टी। ठीक है, ये नियत आयतन पर है, और एस सफिक्स पी क्या होता है जूल प्रति किग्रा, इसका मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा केल्विन, और एस पी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे में एम डेल्टा टी नियत दाब पर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मूलीय उष्माधारिता सी, और ये भी दो भागों में बटा है, तो पहला है नियत आयतन पर जिसको सी सफिक्स वी से लिखा गया, और मात्रक इसका भी वही होगा जो आपने ऊपर बताया गया है जूल मोल प्रति केल्विन। ठीक है, और इसका सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटे में एन डेल्टा टी, और ये किस पर है नियत आयतन पर। ठीक इसी तरीके से नियत दाब पर सी सफिक्स वी से लिखेंगे पी से लिखेंगे, और सी सी सफिक्स पी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी नियत दाब पर। क्यू ऊष्मा है, टी ताप है, और एन क्या है पदार्थ की मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रहा है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक क्या होता है। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा मापी का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, और जितनी ऊष्मा की मापी की ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कैसे, तो यदि किसी ऊष्मा मापी का द्रव्यमान यम हो, यम ग्राम हो, और उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यस कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी हो, और ऊष्मा मापी का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा यम यस कैलोरी हो, तो ऊष्मा का यही मात्रा यम यस ग्राम जल का ताप एक डिग्री सी बढ़ाएगी। अतः ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक W बराबर क्या हो जाएगा यम यस ग्राम होता है। ठीक है, जब भी ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक निकालना होगा तो सूत्र क्या हो जाएगा W बराबर यम यस ग्राम। आगे क्या कह रहा है, ऊष्माधारिता तथा जल तुल्यांक के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, कौन संख्यात्मक मान यानी परिमाण उसका क्या होता है बराबर होता है, परंतु इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। धारिता, ऊष्माधारिता और जल तुल्यांक के मात्रक क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। अगला टॉपिक दे रहा है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की एक ग्राम के स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान एक ग्राम है
उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, और ताप उस समय क्या होता है, स्थिर होता है, कि अवस्था परिवर्तन होती है, यानी द्रव से गैस बन जाएगा। गर्म करिए आप, ज़्यादा किसी चीज़ को पिघलाइए, द्रव रूप में है, उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस। तो उस समय उसका ताप नहीं बदलता, क्या होता है, उसका ताप परिवर्तित नहीं होता, ताप फिक्स हो जाता है, और उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। तो अवस्था परिवर्तन में व्यय होता है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, यानी वह ताप तो ले रहा है, ऊष्मा तो ले रहा है, लेकिन उसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा, ताप परिवर्तन नहीं होता, यानी ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो जितनी ऊष्मा लेगी एक ग्राम पदार्थ, उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एल, लेटेंट हीट, एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम या जूल प्रति किग्रा होता है, ठीक है। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम या जूल प्रति किग्रा होता है। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि जब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवस्था परिवर्तन करता है, ताप परिवर्तन नहीं, यानी ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो एक ग्राम पदार्थ को, एक ग्राम पदार्थ को, ठीक है, एक ग्राम पदार्थ का ताप अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। आगे क्या दे रहा है, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान यम तथा गुप्त ऊष्मा यल हो, तो उस पदार्थ द्वारा एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तन में ली गई अथवा दी गई ऊष्मा ले भी सकता है। अगर द्रव से गैस बनाना है तो उसको ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी वस्तु लेगी, पदार्थ लेगा, और गैस से द्रव बनाना है तो गुप्त ऊष्मा निकलेगी, यानी वह देगा। तो ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एम एल होता है। क्या होता है, क्यू बराबर एम एल टू यल। एम आपका द्रव्यमान हो गई पदार्थ की, और यल उसकी गुप्त ऊष्मा हो गई, तो आपको क्या मिल जाएगा, आवश्यक ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उसको चाहिए। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसकी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्प है, यानी वाष्प बनाने के लिए, तो सीधी सी परिभाषा वाष्प से आ जाएगी। क्या कह रहा है, एक ग्राम जल को 100 डिग्री सी पर वाष्प में बदलने के लिए, यानी एक ग्राम जल है उसको 100 डिग्री सी पर ताप उस पर है, उसका ताप 100 डिग्री सी है, लेकिन उसे क्या करना है, वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी अब वह और ऊष्मा लेगा, तो जितनी भी ऊष्मा लेगा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और इसका मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 540 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होता है, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल के लिए क्या होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 540 गुड़े किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है। दोनों आपका बदल गया, किलो हो गया और किग्रा हो गया ग्राम से, तो दोनों 1000 कट जाएगा आपका, वही आएगा परिभाषा आपके अनुसार 540 ही, परिमाण में 540 आएगा। बट जूल में क्या हो जाता है, 2.268 × 10³³ जूल प्रति किग्रा होता है, ठीक है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मिल गई 2540 या 2.268 × 10³, 2.268 × 10³ आपका जूल प्रति किग्रा में आएगा, और 540 किलो कैलोरी प्रति किग्रा में आएगा, ठीक है। चलिए अगला इसका प्रकार देखते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा दे रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्या होता है, 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है। क्या करना है, 0 डिग्री सी का बर्फ है उसे जल में बदलना है, किस जल में, 0 डिग्री सी के जल में, यानी ताप क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा, ताप तो बदल नहीं रहा है। तो जितनी ऊष्मा यह लेगा, अब ये गर्म होगा तब तो पिघलेगा बर्फ, तो ऊष्मा लेगा, मात्रा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो जितनी मात्रा लेगा वो क्या कहलाएगी, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसका मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा या 3.36 × 10³ जूल प्रति किग्रा होती है। क्लियर यहाँ तक।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक दिया है कैलोरी मिति का सिद्धांत। क्या दिया है? कैलोरी मिति का सिद्धांत। क्या होता है कैलोरी मिति का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार नियम कहता है किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह ही है कि जब भी कोई एक वस्तु ऊष्मा देगी ऊर्जा देगी तो दूसरी वस्तु उतनी ऊर्जा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इसे कैलोरी मिति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, किसी एक वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जितना अगर किसी वस्तु कोई एक वस्तु ऊष्मा देगा दूसरी वस्तु को उतना ही मिलेगा, उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? आवश्यक ऊष्मा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एम वन एस वन, यानी पहले पदार्थ का द्रव्यमान एम वन और पहले पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एस वन और पहले पदार्थ का ताप टी वन। ठीक है, एम वन एस वन ब्रैकेट में टी वन माइनस टी बराबर एम टू एस टू ब्रैकेट में टी माइनस टी टू, जहाँ टी क्या है? नया ताप। ठीक है, नया ताप मतलब मिश्रण का ताप। अगर कोई पदार्थ मिलाया जा रहा है, पहले आपका कोई ठंडा जल था और उसमें आपने गर्म जल थोड़ा सा मिला दिया तो उसमें ताप बदल जाएगा। तो मिश्रण के ताप को टी से लिखते हैं। ठंडी वस्तु यानी लेने वाली जो ऊष्मा ले रही है उसका ताप यहाँ पर कम रहेगा, तो लेने वाली वस्तु की ऊष्मा कम है तो उसका टी टू और दी गई ऊष्मा का ताप अधिक रहेगा तो टी वन। तो टी वन, टी टू और टी, ये तीन चीज़ें हैं। टी वन हमेशा अधिक रहेगा, टी टू सबसे कम रहेगा, मिश्रण का ताप इन दोनों के बीच में आएगा। तो टी, इस तरीके से आपको फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिला? एक बार फार्मूला फिर से देख लीजिए। एम वन एस वन ब्रैकेट के अंदर टी वन माइनस टी यानी दी गई ऊष्मा माइनस मिश्रण बराबर एम टू एस टू ब्रैकेट के अंदर टी वन माइनस टी टू यानी मिश्रण का ताप माइनस ली गई ऊष्मा वाले पदार्थ की ताप। तो यहाँ पर संकेत में लिखा भी है, टी वन आपके ऊष्मा देने वाली वस्तु का तापक्रम है, टी टू ऊष्मा लेने वाली वस्तु का तापक्रम है और टी क्या है? मिश्रण का ताप है। टी क्या है? मिश्रण का ताप है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दिया आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? निम्न सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक है तो सदैव तुलनाएं किया जाएगा। तो क्या है? टी डिग्री सी पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प का आयतन बटे टी डिग्री सी पर वायु के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और इसके मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 100। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी टी डिग्री सी पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प का द्रव्यमान बटे टी डिग्री सी पर वायु के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, इसी तरीके से एक अन्य सूत्र भी दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, वो क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता बराबर टी डिग्री सी पर वायु में उपस्थित कुल उपस्थित वाष्प का घनत्व बटे टी डिग्री सी पर संतृप्त वाष्प घनत्व इंटू 100। ठीक है, तो नीचे आपका सदा संतृप्त वाला रहेगा, ऊपर आयतन में उपस्थित। ठीक है, कितना उपस्थित है? द्रव्यमान है तो द्रव्यमान और घनत्व है तो घनत्व, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रहा है। असंतृप्त वायु वाष्प और संतृप्त होने तक बायल के नियम का पालन करता है, यानी असंतृप्त वाष्प है और संतृप्त होने तक ये बायल के नियम का पालन करता है। ठीक है, अतः नियत ताप पर वाष्प का घनत्व दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्प का घनत्व क्या होता है? दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आपेक्षिक आर्द्रता सूत्र क्या हो जाएगा? टी डिग्री सी पर वायु में उपस्थित वाष्प दाब क्या है? टी डिग्री सी पर वायु में जितने भी वाष्प रहेगा उसका दाब और उसी ताप पर संतृप्त वाष्प दाब अपान में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा? 100। ठीक इसी तरीके से आगे और दे रहा है, आपेक्षिक आर्द्रता
बराबर एक फार्मूला और दिया है, उषांक पर संतृप्त वायुदाब, उषांक पर संतृप्त वायुदाब ठीक है, और टी डिग्री सी पर संतृप्त वाष्पदाब मल्टीप्लाई बाई 100। तो उषांक यहाँ पर नया शब्द इस्तेमाल किया, तो चलिए देख लेते हैं उषांक क्या है। उषांक वह ताप है जिस पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प वायु के उस आयतन को संतृप्त कर देते हैं। क्या है? उषांक वह ताप है जिस पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प वायु के उस आयतन को संतृप्त कर देते हैं, उस आयतन को संतृप्त कर देते हैं, यानी अब उस वातावरण में और वाष्प नहीं लिया जा सकता। संतृप्त का मतलब वहाँ पर और वाष्प वह नहीं लेगा, तो उसे हम संतृप्त कहेंगे ठीक है। तो आयतन को संतृप्त कर देता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स थे कंप्लीट हो गए ठीक है। चलिए इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, उष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है, किंतु मोलीय उष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन होता है ठीक है। जूल मोल प्रति केल्विन होता है, इसको याद रखना है। जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक 4.2×10³³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सी होती है। कितनी होती है? 4.2×10³³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सी होती है, और जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, इसको याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट, एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। आगे दे रहा है, किसी पदार्थ के लिए, क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के लिए जल का तुल्यांक तथा उष्माधारिता के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, किंतु इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं। किंतु इनके मात्रक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला टॉपिक दे रहा है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य, गुप्त उष्मा के दो प्रकार वाष्पन की गुप्त उष्मा तथा गलन की गुप्त उष्मा है। यानी गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है? दो। पहला वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है और दूसरा गलन की गुप्त उष्मा होती है ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 100 डिग्री सी पर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 2.268×10³ जूल प्रति किग्रा होती है। 100 डिग्री सी पर जल के वाष्पन यानी वाष्प बनते समय गुप्त उष्मा क्या होती है? वाष्प की गुप्त उष्मा 2.268×10³ जूल। कितनी होती है? 2.268×10³ प्रति किग्रा होती है। तथा इसी को यदि हम कैलोरी में लिखें तो 540 कितनी होती है? 540 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 540 कैलोरी प्रति किग्रा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रहा है? 0 डिग्री सी पर बर्फ के 0 डिग्री सी पर बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 3.36×10³ जूल। यानी बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 3.36×10³ जूल प्रति किग्रा होती है ठीक है। यदि किसी मात्रक की अभिव्यक्ति में ताप दो तापों का अंतर हो तो केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते, यानी दोनों का मात्रक क्या हो? अलग अलग हो, एक सेल्सियस में दिया दूसरा केल्विन में, तो दोनों को पहले हम बदल लेंगे। तो इसको बदलने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो फार्मूला क्या होता है? केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस के लिए क्या होता है? केल्विन ताप बराबर होता है के बराबर 273 प्लस डिग्री सी, यानी सेल्सियस ताप में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन ताप में बदल जाएगा ठीक है। सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए फार्मूला के बराबर 273 प्लस डिग्री सी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस केल्विन को हम सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टॉपिक्स थे कंप्लीट हो गए। पार्ट टू में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बटन को दबाइए,
और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।